अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी फेस पैक की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आपकी स्किन उससे बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगी। तो हम इसमें यूज़ करेंगे चावलों का। चावल हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये हमारी एंटी एजिंग स्किन को क्लियर करता है, हमारे डार्क स्पॉट्स को जो है वो क्लीन करता है। अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं तो आप ये फेस पैक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बादाम, बादामों में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ये भी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करता है, ये डार्क स्पॉट से हमें निजात दिलाते हैं। तो आज हम इनसे एक फेस पैक तैयार करेंगे। अब हम चावलों को लिया है, मैंने 2 चम्मच लिए हैं चावलों के, और इसमें मैंने बादाम जो है वो लिया है मैंने 10 से 12 आदद। अब हम इन दोनों को इतना अच्छे से ब्लेंड करेंगे कि इनका एक फाइन सा पेस्ट रेडी हो जाए। इसको हमने फाइन पाउडर तैयार करना है इनका। आपने इस फेस पैक को हफ्ते में 2 दिन अप्लाई करना है अपने फेस पे। अगर आप चाहें तो 1 दिन भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी क्लियर कर देगा। तो ईद आ रही है, आप लोग ये फेस पैक ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, मैंने इसको एक फाइन पाउडर की तरह तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे 1 चम्मच हनी का। हनी में हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिल्क। आप लोग योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, योगर्ट भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं यहाँ पे मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने हनी और मिल्क को इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए, ये जान हो जाए, इनमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। इसको फाइन पेस्ट इसको भी तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच फाइन जो हम लोगों ने पाउडर रेडी किया था बादामों और चावलों का, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपने इसको फेस पे मसाज नहीं करना है, याद रखें। ये हम लोगों ने बहुत ही हल्के हाथ से फेस पे अप्लाई करना है क्योंकि इसमें दानेदार सी वो मतलब पेस्ट बन जाता है। अगर हम ज़्यादा हाथ यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन को जो है वो मतलब अफेक्ट भी दे देगा। तो आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट्स आपने इसको फेस पे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अगर आपके कहीं पे ब्लैक हेड्स हैं तो आपने बहुत ही लाइट हैंडेड उसको फेस पे मसाज हल्का सा करके तो आपने 20 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सके और अपनी ईद के लिए स्किन को रेडी कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।